नमामि धन्वन्तरिमादि देवं सुरासुरै वंदित पाद पद्मं लोके जरा दधतं मृतघटं चारुतुर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बुदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से। बाकी सब लोग डॉक्टर बीना जी आपका घर का आवाज सुनाने का कोई जरूरत नहीं है हमको। अभी हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू कर रहे हैं। आज 11 तारीख है, 11 तारीख की क्लिनिकल संभाषण शुरू हो चुकी है। जो लोग भी बोलना चाहते हैं मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ, केवल जो लोग बोलना चाहते हैं वही अनम्यूट करिए। और जो लोग फेसबुक पे देखना चाहते हैं देख रहे हैं, और जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए मुझे मैसेज करिए। मेरा अभी लेक्चर हुआ वहां पे मैंने नंबर दिया है, फिर व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए आप लोग, और आप लोग लाइव आके अपने सक्सेस स्टोरीज बताइए। लाइव फिर रहेंगे ना तो आप लोग कनेक्टेड रहेंगे आयुष दर्पण के से। और दूसरा बात है कि जो भी लेक्चर्स हो रहे हैं इसको आप शेयर करिए सभी लोग तक, अपने क्लासमेट लोग के पास, अपने फ्रेंड्स लोग के पास, ताकि इसका प्रचार प्रसार और हो और लोगों को पता चले कि आयुर्वेद में ऐसा काम हो रहा है। क्योंकि अगर हम आयुर्वेद को नहीं बढ़ाएंगे तो कौन बढ़ाएगा। इसीलिए ना आप लोग आयुर्वेद के लिए जितना मेहनत कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, काबिले तारीफ है। अब मैं अनम्यूट करके आप लोगों को बुलाता हूँ, आप लोग आइए और हम लोग संभाषण शुरू करते हैं। मैं एक दो लोगों को को-होस्ट भी बना देता हूँ, ताकि अगर मेरा नेट, क्योंकि यहाँ बारिश हो रही है, अगर नेटवर्क का प्रॉब्लम आया तो फिर आप लोग देखिएगा। मैं एक दो लोगों को यह बना देता हूँ को-होस्ट। सबसे पहले मैं शशि तिवारी मैम को बुलाना चाहूंगा। शशि मैम कैसी हैं आप? हाँ जी सर गुड इवनिंग सर, मैं ठीक हूँ। आपके पास मतलब सब ठीक है, पेशेंट ठीक हो रहे हैं? हाँ, अभी इधर कोई नया पेशेंट नहीं है, वही सारे पुराने पेशेंट्स हैं एक्चुअली। ठीक है ना, कोई बात नहीं, ठीक है सर। और आप कैसी हैं, मतलब स्वास्थ्य आपका ठीक है? हाँ, मेरा भी थोड़ा इधर उधर है, बस ठीक है।
ठीक है। और डॉक्टर नवजोत कौर मैम कैसी हैं आप, आपकी माताजी कैसी हैं? प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। हाँ जी सर, ठीक हूँ। ठीक है सर, माता जी भी ठीक हैं, बट वो उनका चलता रहता है सर, अनस्टेबल सी ना, वो थोड़े दिन बाद जैसे हो जाते हैं ऐसे डिप्रेसिंग लेकिन आपने कंडीशन। काफी हद तक उनका पेट साफ कर दिया, रोज का रोज पेट तो साफ हो रहा है ना। हाँ जी सर, हाँ जी हो रहा है सर, काफी बेटर है, बट बस आपके पास रहते हैं कि भाई साहब आपके भाई के पास रहते हैं? नहीं अभी सर, थोड़े दिन से मेरी सिस्टर के पास गए हुए हैं, थोड़ा अच्छा वही है, यही है तो लोकल ही, बट जी, मेरी सिस्टर के पास है। ठीक है सर, बेटर है सर, ये है कि आगे से बेटर है, पर फिर भी मैं जैसे चाहती थी कि उनको पहले मानस मित्र वटिका वगैरह में देती रही है तो थोड़े बेटर थे, बट अब पता नहीं उनके मन में क्या आ गया कि मैंने नहीं, बस्ती भी दी थी 8-9 दिन मैंने मार्च में, बट अब कहते हैं कि मैंने कोई नहीं लेनी मेडिसिन तो होम्योपैथी ही ले रहे जो अपनी शुरू से लेते थे, चलो वो भी ठीक है, बट मैं सोच रही हूँ कि सर जैसे मानस मित्र वटिका वगैरह उनको रेगुलर बेसिस पे देती रहूँ, पर जैसे वो खाना नहीं चाहते हैं खुद से तो ऐसे दाल वगैरह में डाल के दे सकते हैं सर। क्यों नहीं दे सकते हैं? लेकिन हमेशा ये याद रखिए कि कभी भी जबरदस्ती दवाई किसी को नहीं देना है। अच्छा सर ठीक है, जबरदस्ती क्यों देना है आपको? पर सर एजिटेटेड से रहते हैं तो इसलिए मैंने वो सोचा था ठीक कि है, आप उनको कन्विंस करिए, वो ऐसे जबरदस्ती नहीं देना है कभी भी उनको, आप कन्विंस करिए, वो जब हाँ बोलेंगी तभी दवाई दीजिए, नहीं ठीक है सर। तो फिर वो मन से नहीं लेंगी तो फायदा नहीं होगा। हाँ जी ये तो है सर, ठीक है, ओके थैंक यू सर। नहीं तो दवाई लेने का ही स्ट्रेस आएगा, उससे बीमार पड़ जाएंगे ऐसे। ठीक हाँ जी सर, है, आप अच्छी हैं बहुत ही, अपना ध्यान रखिएगा, बारिश में थोड़ा बाहर नहीं निकलिएगा। हाँ ठीक है, थैंक यू। और कौन बताना चाहता है, कुछ केस बताना चाहते हैं तो बताइए। डॉक्टर प्रीति साहू मैम कैसी हैं, नागपुर पहुंच गई क्या? क्या उधर ही हैं डॉक्टर प्रीति मैम? नमस्ते, आपका आवाज नहीं आ रहा है। थोड़ा नेटवर्क से बाहर हूँ इसलिए आवाज नहीं आ रही। अरे अभी आ रही है, आप ठीक है? क्या, अच्छा हाँ मैं नागपुर पहुंच गई हूँ। अच्छा ठीक है, मुझे बहुत खुशी हुआ आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा, मुझे भी सर। थैंक यू। डॉक्टर पूजा रच मैम कैसे हैं, राजकोट की मैम? डॉक्टर पूजा रच मैम अभी शायद मैम सुन नहीं रही हैं, कैसी हैं मैम? पूजा मैम जी सर बहुत अच्छी हूँ। आपके राजकोट में कैसा है, बारिश वगैरह हो रहा है? हाँ सर, बारिश हो रही है बहुत ही, और सर अभी जॉइंट पेन के पेशेंट ज्यादा मिल रहे हैं, जॉइंट पेन और मतलब अग्नि मानदीय के पेशेंट। तो आप क्या दे रहे हैं? सर मैं पेशेंट को लंघन करवाती हूँ पहले 3 दिन के लिए, फिर खाने के पहले त्रिकटु चूर्ण और खाने के बाद पाचकेंद्र रस, लहसुन आदि वटी और व्याधि के अनुसार चिकित्सा। जी सर, और सर आपने जो मृदक का यूज किया, यूज कहा था ना, हाँ वो भी करवाती हूँ। तो उससे फायदा हो रहा है? हाँ सर हो रहा है, और उसमें क्या है कि लोग ऐसे ही नहीं ले पाते तो मैं उनको बोलती हूँ कि आप लहसुन और अदरक का मतलब संस्कार कीजिए, वघार कीजिए, ऐसा बोलती हूँ हाँ सर। हाँ हाँ सर, हाँ ठीक है, आपको बहुत आगे जाना है पूजा मैम, हाँ सर, हाँ आप सर, श्योर, आपका मन आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे सर। हाँ, और आपने वो स्वर्ण प्राशन में भी अच्छा रिजल्ट दिया है ना लोगों को? हाँ सर, उसमें तो मुझे बहुत ही मिरेकल रिजल्ट मिल रहे हैं, और सर मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैंने इतना अच्छा काम किया, मतलब सेटिस्फाई हूँ सर मेरे स्वर्ण प्राशन से। थैंक, जी आपका मेहनत है उसमें तो। ठीक हाँ सर बहुत ही, थैंक यू सर। है, थैंक यू। हाँ सर, थैंक और किसी ने कुछ पेशेंट देखा तो बताइए। लक्ष्मी मैम कैसी हैं, अगर लक्ष्मी मैम सुन पा रही हैं तो बताइए, कुछ कुछ पेशेंट देखे आपने गवर्नमेंट में? लक्ष्मी मैम नहीं बोलूंगी। जी सर नमस्ते, गुड इवनिंग सर, हेलो। हाँ बोलिए ना। सर
सर मेरे पास एक गवर्नमेंट ही रहता है, आप सर वही कम बात के डिस्कस कर रही थी आज आपका लेक्चर जब सुनना था मैंने। तो सर आप कल देखिए आप लोग क्या देते हैं दवाई में। सर वैसे तो और तेल मैंने उनको दिया था नशे के लिए और करीब 15 डेज हो गया था, बाकी गवर्नमेंट में वही अश्वगंधा हित की आमले की और अजवाइन मिलवा के दे दिया था जी। और जॉइंट्स पे भी दिया था, योगा गुब्बू भी साथ में दिया था मैंने उनको, तो वो कह रहे मुझे कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है उनको। क्यों आपने संप्राप्ति निकाला अच्छे से? जी सर हेतु संप्राप्ति निकाला सर? हेतु में वो कहती है सब कुछ नॉर्मल है, बस स्ट्रेस तो हल्का फुल्का कहती है कि रहता ही है, और बाकी कहती नॉर्मल खाना है, बाहर का कुछ खाती नहीं है। ठीक है मुझे तो समझ में नहीं आया था उनका केस। आप पूरा केस अच्छे से बताएंगी तब ना। नहीं सर मुझे ही नहीं समझ में आया, तो आप केस शीट होगा, केस शीट भर के फिर अच्छे से समझ के फिर हमें समझाइए। जी जी सर ठीक है, आप मेहनत समझ आएगा। जी सर थैंक यू सर। जी थैंक यू सर। कंचन मैम कुछ पेशेंट देखे तो बताइए, नए पेशेंट देखे? प्रणाम सर। कैसी हैं आप? बस मैं ठीक हूँ सर, आज तो कोई नया पेशेंट नहीं, आज तो बहुत ही कम ओपीडी थी सर, बहुत बारिश चालू है सुबह से। आप कहाँ परेल में है? हाँ परेल में। हाँ मुंबई में तो बहुत लोअर एरिया है ना, लोअर परेल तो बहुत बारिश। हाँ, बहुत बारिश होती है सर, बस ये इतना अच्छा है कि वहाँ पे पानी जमता नहीं, मैं जहाँ पे जाती हूँ वहाँ पे पानी नहीं जमता है, तो इजीली आना जाना हो जाता है। जी ठीक है जी सर। और किसी ने पेशेंट देखे, कुछ डाउट है या सक्सेस स्टोरीज है तो बता सकते हैं, हैंड रेस करके बता सकते हैं। एक डॉक्टर बीना जी आई हैं, बीना जी आप कहाँ से हैं, अपने बारे में बताइए। हाँ सर आज मैं फर्स्ट डे ज्वाइन हुई हूँ। आप कहाँ से हैं सब अपने बारे में बताइए। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, आज फर्स्ट डे मैंने ज्वाइन किया है। अच्छा तो आप क्या प्रैक्टिस करती हैं कि गवर्नमेंट जॉब? जी गवर्नमेंट जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में हूँ। अच्छा आयुष में। अच्छा हाँ तो आपका मैं देखती थी। हाँ हाँ मैं ना एक्चुअली मैं यूट्यूब में देखती थी आयुष दर्पण का जी, तो अच्छा लग रहा था उस टाइम, थोड़ा सा फ्री नहीं थी तो मैं सोची फ्री होने के बाद ज्वाइन करूंगी, तो मैंने अभी आज फर्स्ट डे में ज्वाइन की हूँ आपका जी, क्योंकि मैं जो आपका देखती थी तो फिर उसके हिसाब से मेडिसिन वगैरह थोड़ा चेंज करके देने से ना रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा था जी, फिर मैंने इसलिए फिर अभी ज्वाइन किया आपका, आज फर्स्ट डे था मेरा। कोई भी डिफिकल्टी हो तो यहाँ बताइए। और जी जी मैंने जी जी मैं ना इसी के लिए ज्वाइन की हूँ, थोड़ा कुछ कभी प्रॉब्लम होने से आपसे डिस्कस कर सके, और भी मतलब कि मेरी बेटी को भी मैं बीएमएस करवा रही हूँ, तो मैं सोची कि अभी तो वो पढ़ रही है तो पहले मैं और ज्यादा कुछ उसके लिए कर सकूँ, तो कुछ नॉलेज दे सकूँ। अभी सेकंड ईयर है सर, सेकंड ईयर का एग्जाम होने वाला है। माधव निदान हो गई? हाँ हाँ है, माधव निदान है। माधव निदान का सुबह क्लास होता है ना हमारा 6 जी 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 जी, तो उसमें आया करिए, उनको भी लाया करिए जी जी, सुबह 6 बजे जी सर। मैं उसी के बारे में सोच के फिर मैं बोली मैं भी उसमें अच्छा सीखने को मिल जाएगा आपके साथ। हाँ। तो इसलिए मैं भी ज्वाइन की हूँ। अच्छा है, बहुत अच्छा। इन फ्यूचर उसको मतलब आपके यहाँ भेजने का भी सोच रही हूँ क्लिनिकल सीखने के लिए। वही तो सबका अच्छा हो जाएगा, अभी देखिए यहाँ पे जितने वैद्य लोग हैं सबका सक्सेसफुल हो रहा है, सब बढ़ रहे जी जी। हाँ हाँ नहीं मैं आपका देखती थी ना यूट्यूब पे, तो मुझे मतलब जैसे कुछ चीजें मेडिसिन अभी अभी मेरी बेटी के लिए भी, मैं उसको एक्चुअल में सिकल सेल एनीमिया है मेरी बेटी को जी। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गया था उसको, मतलब बहुत बॉडी पेन और क्रैम्स वगैरह आ रहे थे अचानक से, उसका एचबी डाउन हो गया 7.2 हो गया था, तो वहां तो उन लोगों ने कह दिया था कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम ले आए उसको हॉस्टल से, और फिर उसके बाद मैंने अपना मतलब वही तापयादि लॉ और दांडी मावले ये स्टार्ट किया, और साथ में पुनर्नवासो भी दिया उसको जी। तो और फिर उसका थोड़ा सा बॉडी पेन नहीं हो रहा था ठीक, तो फिर मैंने साथ में लाक्षादी भी दिया, लाक्षादी गुगुल जी, तो 2 दिन में उसको बहुत रिलीफ हुआ। वहां तो वो लोग एम्स में मैंने दिखाया था, एम्स में वो बोले जब तक पूरा रिजल्ट नहीं जाएगा हम कुछ ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करेंगे,
तो फिर मैंने अपना ही बस आयुर्वेद का घर में ही दिया, और उसको पानी खूब पीने के लिए और जूस वगैरह दिया, अनार जूस वगैरह। तो उसको 2 दिन में बहुत अच्छा रिलीफ हुआ सर, उसको मतलब पेन बहुत कम हो गया था, नहीं तो उसको इतना पेन था वो रात भर सो नहीं पा रही थी, उसको इवन IV फ्लूड देना पड़ा था उस वक्त। और फिर हमने 3 दिन के बाद फिर से उसका करवाया, पूरा ब्लड टेस्ट करवाया, तो उसका HB लेवल 8.2 आ गया था 3 से 4 दिन में जी। और अभी काफी ठीक है वो, अभी इवन उसको फिर से मैंने हॉस्टल भेज दिया, वही BMS कर रही है उसको, मैं और बताती भी रहती हूँ आयुष दर्पण में, हमेशा बोलती तुम YouTube में खोल के देखा करो, अष्टांग हृदय वगैरह सब आता है जी। तो काफी अच्छा लगा। आपको मालूम नहीं है माधव निदान और अष्टांग, हम सबको संस्कृत पढ़वाते हैं, यहाँ पढ़िए जी, अच्छा टीका पढ़ते हैं, अरुण दत्त और हिमाद्री की टीका पढ़ाया जाता है, हाँ हाँ तो वो ज्यादा अच्छा है ना कि संस्कृत पढ़ना आ जाए, समझना आ जाए। हाँ हाँ नहीं मैंने आपका देखा हुआ है ना सर, इसीलिए फिर मैं बोली अब मैं ज्वाइन करती हूँ। आपको मालूम नहीं, मैं BMS जब कर रहा था 97 से 2002 तक, तो मुझे तो कितना मुश्किल हुआ पढ़ाने, अभी तो कितना इजीली अवेलेबल है कि आप पढ़ सकते हैं। हाँ हाँ रियली अभी हम लोग के भी समय में, मैं तो 97 में पास आउट हुई हूँ मेडिकल कॉलेज से, ग्वालियर मेडिकल, हाँ ग्वालियर मेडिकल कॉलेज से 97 में। तो उस जमाने में तो यूट्यूब वगैरह कुछ था नहीं, जो मिलता था वही कॉलेज में जो मिलता था वहीं से मिलता था, इतना कुछ नॉलेज भी नहीं मिल पाता था। पास जाके पुड़िया बन दिए, खड़े होके दवाइयाँ बनते थे, तब भी नहीं सिखाते थे वो लोग जी जी, इतना कुछ मिलता नहीं था, अभी जितना कुछ मिल रहा है। अभी जैसे हम लोग हॉस्पिटल में भी है तो पेशेंट है तो कपिंग भी कर सकते हैं, उनका रक्त मोक्षण भी बाई सिरिंजिंग ही करते हैं, रक्त मोक्षण या कपिंग से करते हैं। हम लोग मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे तब भी हमको नहीं सिखाया गया था ये सब रक्त मोक्षण वगैरह, तो इसीलिए तो अभी तो आपको बच्ची को सब देना चाहिए सब। हाँ इसीलिए सर मैं सोच रही हूँ मैंने जो सब कुछ मिस कर दिया, कम से कम एटलीस्ट बच्चे को मैं बहुत अच्छा दे सकूं। हाँ जी, आप क्या बिहारी हैं क्या? नहीं सर महाराष्ट्र खोबरागड़े। अच्छा, मेरा सरनेम खोबरागड़े है। तो क्या आप नागपुर की हैं, विदर्भा की? नहीं हम लोग एक्चुअल में चंद्रपुर के थे, पर बहुत फोर फादर्स हमारे इधर शिफ्ट हो गए छत्तीसगढ़ में, वही तो ना विदर्भा के ना, चंद्रपुर तो विदर्भा ही हुआ ना। हाँ हाँ तो हम लोग सब इधर ही शिफ्ट हो गए ना, तो अब छत्तीसगढ़ के ही हो गए हैं। हाँ हाँ ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आप जुड़िए और देखिए यहाँ पे सब लोग सक्सेस स्टोरीज बताते हैं। जी सर, जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। एक डॉक्टर प्रज्ञा जी आई हैं, आप कहाँ से हैं मैम, अपने बारे में बताइए। नमस्ते सर, मैं हुबली से हूँ। हुबली से हैं, अच्छा जी। आप कहाँ से BMS किए हैं? मैंने बागलकोट से BMS किया है, MD मैंने डॉक्टर प्रशांत सर से हुबली से किया है, मेरा PhD चल रहा है पारुल में। अच्छा PhD चल रहा है, बहुत बढ़िया। अच्छा तो हमारे यहाँ श्रुति निगम मैम भी हैं, एक बाल रोग की हैं MD, तो आप अच्छा हो गया, अभी बहुत सारे लोग आपसे डाउट पूछेंगे बच्चों से रिलेटेड, आप बताइएगा, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। ठीक है और बताइए किसी को और कुछ, डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, थैंक यू प्रियंका प्रज्ञा मैम, डॉक्टर श्वेता मैम कुछ बताएंगी आप? नमस्ते सर। हाँ एक एक करके बताइए, पहले कौन बोलेगा, पहले श्वेता जी आप बोल दीजिए पहले। सर मतलब मुझे तो एक पेशेंट के लिए डिस्कस करना था। करिए ना करिए। तो सर मतलब पित्तज ग्रहणी के पेशेंट है, भूख लगती नहीं है लेकिन खाते हैं जी। और खाने के बाद बहुत नौजिया, काफी बार वॉमिटिंग भी हो जाती है जी। और कोष्ट भी मृदु ही रहता है, तो सुबह थोड़ा ब्रोकन या ऐसे लूज जैसा ही मोशन होता है। तो अब वो मेरे पास जो आए हैं वो बोलते हैं आप मुझे ठीक कीजिए लेकिन सिर्फ डाइट से, तो मेडिसिन नहीं लेनी है उनको। तो सर कि आपका टर्म्स कंडीशन ये कौन सा रूल है, तालिबान है क्या कि आप जो बोलेंगे वैसे ही करना पड़ेगा? नहीं सर, थोड़ी थोड़ी मेडिसिन मैं भी फिर उसमें डाल दूंगी, पर मैं जैसे सोच रही थी कि इनमें धनिया है, सौंफ है, शुंठी है, थोड़ा दाढ़ी माष्टक है, दाढ़ी मादी अवले है, मतलब ये थोड़ी चीजें उनको बोल सकती हूँ। चलो दाढ़ी तो यही है यानी ना खाने का ही है, और थोड़ी इजी चीजें हिंगाष्टक थोड़ा यूज कर सकते हैं, और सर कुछ अगर थोड़ी गाइडेंस हो कि इनको कैसे। तो तक्र दे दीजिए, तक्र, अभी बारिश का सीजन है तो तक्र को जैसे नागपुर में क्या करते हैं बॉयल करते हैं, तो दही का दही एक कप
और दोनों को पतला करके मत के छान के उसमें हल्दी डाल दीजिए और तड़का डाल दीजिए जी। हाँ, सर ये हम लोग गरम गरम सूप की तरह दीजिए पीने को। अच्छा तो सर पहले मतलब थोड़ा लंघन और दीपन पाचन से ही शुरू करना पड़ेगा, तक्र ही पी के रहे वो दिन भर, तक्र ही यही लंघन है। अच्छा ये तक्र ही पी कर रहे। अच्छा मैं यूज सोच रही थी सर, तो ठीक है उनको ये ऑप्शन दे सकती हूँ कि तक्र दे दीजिए। और दूसरा है कि आप उनको दाढ़ी मास्टक चून लवण भास्कर चून दे दीजिए। अच्छा और सर खाने में फिर जैसे उनका मतलब अग्नि थोड़ी प्रदीप्त हो जाए फिर उनको थोड़ा खाना शुरू करें मतलब रक्त पाचक में देंगे तिक्त के साथ भी आम का बिरयानी कला को अच्छा कर देगा परपटी कल। हाँ सर वो तो अब देखो थोड़ा उनको भी कॉन्फिडेंस आए तो 15 दिन बाद या कुछ मैं बोलूंगी या बात मेरे से शंख भस्म है प्रवाल पिष्टी शंख भस्म दाढ़ी मावले दाढ़ी मावले तो मिलता है ना बैद्यनाथ का अच्छा सा। हाँ हाँ सर हाँ तो वही सब सोच रही थी या फिर मुरब्बा दे सकते हैं बेल का। हाँ बेल का शरबत भी दे सकते हैं। हाँ हाँ तो ये सब चीजें देखे स्टार्ट तो करते हैं फिर देखते हैं थोड़ा। हाँ जी सर मैं और हमेशा मन में ये रखिए कि झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। यस सर। हाँ तो पूछना है पेशेंट के सामने पेशेंट को झुकाना है तो थोड़ा एक स्टेप पीछे लेके फिर झुकाने का कोशिश है पेशेंट। हाँ, बस वही है कि ठीक है आपके सामने बोले कि मैं ये करूंगी मेरे को ये करके दो ऐसे नहीं। हाँ हाँ नहीं नहीं वो उनका क्या बोलना है कि मैं दवा ले तो लेता हूँ पर मैं फिर कभी खाता ही नहीं हूँ दवा मुझे पता है कि मैं दवा खाऊंगा ही नहीं तो शायद अब वो थोड़ा रिजल्ट आए छोटी छोटी चीजों से। तो आप बोलिए आप उनको बोलिए कि हम दवाई देंगे लेकिन उसका थोड़ा चार्ज ज्यादा रहेगा और उनका फीस तो होता है 2500 लीजिए एक बार का और फिर उसका वैल्यू रहेगा ना तो वो बराबर आपकी बात मानेगा बोले की आपको डाइट में करके दे रही हूँ तो आप ना थोड़ा फीस बढ़ेगा क्योंकि मुझे मेहनत करनी पड़ती है आपके लिए। हाँ सर हाँ सर यस सर ठीक है बस सर यही सब पूछना था कि और कुछ अगर इसमें हो जो डाइट वाइज अगर किसी की भी एडवाइस हो आप उनको बोले दाढ़ी मास्टर चून डाल के दे खाने में लवण मास्टर चून को खाने में क्योंकि उनका उनका मेन ये क्या है ना सर कि वेट बढ़ता नहीं है तो मतलब मुझे डाइट भी ऐसी रखनी पड़ेगी कि वेट बहुत कम नहीं हो जाए बस यही है कि तो थोड़े दिन ऐसे यूज या तक्र पे रख के फिर अग्नि प्रदीप्त हो जाए तो थोड़ा उनको फिर खाना स्टार्ट कर सकते हैं ना सर। आसावरिष्ट दे सकते हैं द्राक्षा। हाँ सर आसावरिष्ट वगैरह तो ले लेंगे थोड़ा थोड़ा तो ये इजी सिंपल सिंपल चीजें दे सकती हूँ। और सर फिर मतलब खाने में भी थोड़ा थोड़ा घृत पान बढ़ा सकते हैं फिर। हाँ ग्रहणी को ठीक नहीं तो घृत तो देना ही पड़ेगा। हाँ सर तो इनके लिए फिर वही दाढ़ी मादी घृत ही रखना पड़ेगा या कटुकादि घृत ये बोला ही है ना कटुकादि। हाँ यस सर जी सर और किसी को कुछ बताना है तो बताइए इनके केस। हाँ बस किसी का एक्सपीरियंस हो स्पेशली डाइट वाइज कि क्या कुछ कर सकते हैं इसमें। नहीं आप इतना ही करिए पहले फिर देखते। यस 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 थैंक यू सर थैंक यू। अभी डॉक्टर प्रज्ञा जी आप कुछ बोलना चाहेंगी आपने हैंड रेज किया है डॉक्टर प्रज्ञा जी। नमस्ते सर। हाँ जी बताइए। एक केस है जहाँ पे एक पेशेंट का प्लेटलेट हमेशा 40,000 रहता है जी एंड वो नॉर्मल रहते हैं वो साधु जी हैं जैन साधु जी हैं जी और हमने 2 साल पहले इसी समय लगभग उनका पूरा हमने देखा था कि अग्नि जो है पित्त जो है बहुत ज्यादा मात्रा में है अग्नि कमजोर है लेकिन पित्त की आभा बहुत ज्यादा हो रही है रस क्षय हो रहा है उसके वजह से उनके पैर दर्द वीकनेस के जैसे लक्षण होते हैं और उनके ब्लड में 48,000 प्लेटलेट्स उतना ही रहता है एंड ही इज नॉर्मल विद दैट। तो क्या प्रॉब्लम है ये तो जो भी बनाया है मॉडर्न साइंस वो मीन वैल्यू पे बनाया है बीपी भी है 120/80 मीन निकला है पूरी दुनिया का। नो प्रॉब्लम सर वो बराबर है हमने उसका काउंसलिंग करके एक कंक्लूजन पे आए हैं कि ही इज ओके विद 48,000 लेकिन उनका प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज्यादा वीकनेस होता है। वीकनेस अगर हो रहा है तो उनको आप कुछ दीजिए ना रसायन
ब्रह्म रसायन, आमलकी रसायन, धात्री लौह। ओके सो वो तो साधु बाबा है, वो तो खाएंगे ब्रह्म रसायन आप देंगी तो। हाँ तो वो रस के मूल से, रस के मार्ग से हमें कुछ देना है होगा, रस रक्त जैसे पाचन करके हमें देना होगा। रस पाचक रक्त पाचक आता है ना। हाँ एक चीज हमने नोट किया था कि पूरा क्लासिकल घृतपान करके, जैसे 5 डेज का घृतपान करके हमने त्रिवृत लेह के विरेचन करने के लगभग 10 दिन के बाद उनका प्लेटलेट्स नॉर्मलाइज हो गया था। सो ये उपशय आप ये सोचे कि पांडु है एक तरह से, इसलिए दौर्बल्य। करेक्ट। तो पांडु की चिकित्सा करें नवायस लो, ताप्यादि लो, दाढ़ीमा दिघृत, दाढ़ीमा वाले, द्राक्षा वाले। जी तो सर प्रणाम, प्रणाम सर। ये सारी चीजें हमने किया हुआ है। मुकेश साहू जी कुछ बताएंगे इनका बात। मुकेश जी थोड़ा बाहर आके बात करिए, मुकेश जी बाहर आके बात करिए, आपका आवाज कट रहा है। मुकेश जी साफ सुथरी आ रही है? नहीं आ रही है? आपको एक मिनट में वेटिंग रूम में रखता हूँ, फिर ज्वाइन करता हूँ, फिर होगा। हाँ एक मिनट, अभी मुकेश जी ज्वाइन हो रहे हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं ना, तो इससे क्या होता है कि हमारा और सोचने का वो तरीका बदल जाता है। मुकेश जी आप आ गए क्या? हाँ जी आ गया सर। हाँ अब बोलिए। सर मैं ऐसे कह रहा हूँ कि अभी जब ये डेंगू फीवर चलता है तो इसमें हमने कई पेशेंट की, जब प्लेटलेट्स डाउन होती है तो जिस दिन से हम उसको स्वर्ण सूत शेखर रस स्टार्ट करते हैं तो प्लेटलेट्स वहीं पे ही स्टॉप हो जाती है। तो ये हमने बहुत अच्छे रिजल्ट्स लिए हैं। तो मैम के जो पेशेंट है ना उसमें जीर्ण ज्वर वाली चिकित्सा में अगर वो देखेंगी तो उनको ज्वर की हिस्ट्री 100% रही होगी। तो एक बार आप उनकी पूरी बैक हिस्ट्री लोगे तो उसमें आपको ज्वर जरूर मिलेगा, और उस ज्वर की चिकित्सा यानी जीर्ण ज्वर की चिकित्सा के साथ आप स्वर्ण सूत से कर रस और ऐड करो, और उसके बाद 15 डेज बाद आप ये रिजल्ट लो तो आप उस उनका प्लेटलेट नॉर्मल रहेगा और जो उनकी वीकनेस है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है रसायन चिकित्सा का, वो आप उनके साथ रेगुलर रखो तो पेशेंट को कभी वीकनेस नहीं आएगी। ठीक है सर, मैं ज्वर का हिस्ट्री एक बार देखो। हाँ नहीं, ज्वर की हिस्ट्री ऐसा उन्होंने बोला नहीं है पहली बात। दूसरी बात उनको विहार करना होता है, विहार करना होता है। एक चीज मैं आपको बोलिए, एक चीज अच्छे से मतलब अपने जीवन में मैं सभी वैद्यों के लिए या मैं स्वयं के लिए भी बोल रहा हूँ कि पेशेंट आपको नहीं बताता है। आप ये आपका दायित्व बनता है कि आपको पेशेंट से स्क्रूटिनिंग करके या पेशेंट से बार बार पूछ के या जो जो पिन पॉइंट्स होते हैं उस डिजीज से रिलेटेड, चाहे बैक हिस्ट्री में हो, चाहे उसकी पास हिस्ट्री में हो, चाहे प्रेजेंट हिस्ट्री में हो, ये आपको पूछना ही पड़ता है। क्योंकि पूछने से ही आप उस एक्चुअल पॉइंट पे पहुंच पाते हो जहां उसकी संप्राप्ति बनती है, फिर आप उसका विघटन कर पाओगे तो रोगी को पूर्ण स्वस्थ कर पाओगे। अगर आप उनमें कहीं ना कहीं कमी रह जाती है तो रोगी को क्या कि रिप्लेस हो जाता है। आपने एक बार ठीक कर दिया बहुत अच्छी बात है, पेशेंट को चाहे कैसे ठीक किया पेशेंट का आपके ऊपर फेथ बढ़ जाएगा, लेकिन फिर आपकी ड्यूटी बनती है कि वो दोबारा रिप्लेस नहीं हो। यही आयुर्वेद का सबसे बड़ा जो पॉजिटिव पॉइंट है। आज जो पूरी दुनिया है ना, ये मान के चलो कि एक तरह से आयुर्वेद की तरफ बहुत अच्छे से देख रही है, और आपका मेरा हम सबका ये दायित्व है कि उस कसौटी पर खरे उतरे। इसलिए बहुत जरूरी है कि रोगी की हिस्ट्री, जैसा सर का जो 4 पन्नों का केस पेपर है, केस हिस्ट्री सीट है, उसमें हर चीज एक एक चीज खोल के लिखी हुई है। आप उसको जब मतलब हर रोगी का केस पेपर या केस सीट भरोगे तो उसमें आपको बिल्कुल साफ समझ में आ जाता है कि कौन सा दूसरे से प्रभावित हो रहा है, कौन सा। मैं आपको केस शीट दे रहा हूँ, आप वो भर दीजिएगा, मैं आपको दे रहा हूँ आपके व्हाट्सएप पे, है ना। तो उससे क्या होगा कि आपको एकदम एग्जैक्ट पता लग जाएगा कि कैसे कौन सा तो दूस उससे दोष दूषित हो रहा है, कौन सा दूष्य हो रहा है, कौन सी धातु प्रभावित हो रही है। फिर आपका आप उसमें इस स्थिति तक पहुंच जाओगे कि क्या आप निदान कर पाते और क्या संप्राप्ति कर पाते, फिर आप उसकी संप्राप्ति विघटन इमीडिएट कर पाओगे। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल बताता हूँ। अभी परसों का ही मेरे पास पेशेंट आया था, बहुत ऐसे कह रहा था सर मेरे पैरों में बहुत भयंकर जलन हो रही है और आप मुझे बचा लो, सिर में पूरी बॉडी में जलन हो रही थी। तो उसकी जब थोड़ी सी हिस्ट्री ली तो पता लगा कि उसने
पित्त जहर विहार का सेवन किया था, इसी वजह से उसके शरीर में पित्त की दुष्टि यानी पित्त की अधिकता हो गई। और मैंने उसको सिंपल तीन मेडिसिन दी थी, चंद्रकला रस, प्रवाल पिष्टी और गुलकंद। मैं कह रहा हूँ कि मैम उसने जब फर्स्ट डोज ली, हालांकि वो 2 दिन से ट्रीटमेंट ले रहा था एलोपैथी, लेकिन जैसे ही उसने फर्स्ट डोज ली, उसकी फर्स्ट डोज के विद इन 30 से 15 मिनट्स बाद उसको टोटली आराम आ गया। नेक्स्ट डे आके वो ऐसे कह रहा था कि सर आप मतलब ये समझो कि दूसरे भगवान हो, आपने मेरी पूरी जो शरीर की जलन थी ना उसको टोटली ठीक कर दिया। तो ये एक चीज होती है, हालांकि इसने 3 दिन तक मेडिसिन ली, बल्कि 3 दिन बाद आप स्टॉप कर देना और फिर अपना जो आर वी आर है उसको बंद कर देना। तो उस इस चीज का बहुत ध्यान रखा जाता है। तो आप भी जो बता रहे हो, जो जैन साध्वी है या साधु है उनकी हिस्ट्री लोगे तो उसमें कहीं ना कहीं जीर्ण ज्वर मिलेगा, और जीर्ण ज्वर मिलने से उसकी जब आप चिकित्सा करोगे तो वहां आपको लाभ मिलेगा। पहले उसको स्वर्ण सूत से कर रस लेके उसके प्लेटलेट्स को बढ़ाओ, और उसके बाद जैसे प्लेटलेट्स बढ़ जाते हैं वहां फिर स्वर्ण बसंत मालती रस के उसको शुष्क करो, और जैसे वो पित्त शामक चिकित्सा में आता है या जो जीर्ण ज्वर चिकित्सा में आता है उसी रासव है, या ब्राह्मी वटी स्वर्ण युक्त है, स्वर्ण बसंत मालती है, ली 52 आप उसमें एडिशनल ऐड कर सकते हो। हालांकि जब आप अच्छे से केस हिस्ट्री लोगे तो आपका रिजल्ट 100% मिलेगा। थैंक यू सभी को सर, प्रणाम सर। ठीक बात, आप बोल सर। आपने बहुत अच्छा बोला, आपको मैं बस एक चीज ऐड करती हूँ, वो विहार करते हैं, वो चलते जाते हैं पैदल, कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो, और बिना चप्पल के, तो जब भी वो थोड़े गर्म जगह पे जाते हैं ते, ये तो जैन वो लोग करते ही हैं, वो ठीक है। आप देखो देखो उनकी उनकी हिस्ट्री में मतलब अधिक चलना लिखा हुआ था, जब रोगी व्यक्ति अधिक चलता है तो वहाँ आपको बॉडी में वात की वृद्धि हो रही है, रुक्षता बढ़ रही है, तो उसका सबसे सिंपल ट्रीटमेंट है ग्रत सेवन। पेशेंट को लगभग 50 से 60 ml तक घी पर डे उनकी बॉडी में जाना चाहिए, वो चाहे अब कैसे भी जाए। तो उनके जो रुक्ष आहार विहार का सेवन है तो उसका आप एक तरह से एंटीडोट अपने दिमाग में सेट करो और पेशेंट को दो कि भाई उसको ग्रत सेवन कराना है। उस जितना उसको जो भी औषधि दोगे उसमें ग्रत का अनुपान रखो, उसकी डाइट में घी बढ़ाओ, तब जाके आपका जो पेशेंट है वो क्योर रहेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक चीज आपसे मैं सुनना चाहती हूँ, आपने सुनिए आप प्रज्ञा मैम, केवल यही मत सोचिए कि उनका ये प्लेटलेट बढ़ा हुआ है, आप आयुर्वेद के हिसाब से सोचिए कि दौर्बल्यता है तो भी वायु की वजह से। करेक्ट करेक्ट। एक आपने बहुत अच्छा बोला, जीर्ण ज्वर की जो चीज है वो पहले चिकित्सा करना है ताकि रिलैप्स नहीं हो जाए, तो आप अगर मुझे 1 मिनट में बोल सकते हैं कि आपका जीर्ण ज्वर का जो कंसेप्ट है उसको आप क्योर कर रहे हैं, कोई भी पेशेंट अगर आ रहा है, यही पेशेंट अगर आप देख रहे हैं, तो जीर्ण ज्वर को आप कैसे अप्रोच करते हैं, क्या मेडिसिन? चरक संहिता निकालिए, चरक संहिता में नहीं लिखा कि जीर्ण ज्वर 21 डेज के बाद जो बुखार रहता है वो जीर्ण ज्वर होता है, उसमें क्या बताए? 3 घृत बताए चरक संहिता में, आप खोल के देखिए, पिपल्यादि घृत, मत्स्यादि घृत, बलादि घृत जी, वो सब उसके जीर्ण ज्वर का एक सिंपल सिंपल सा होता है कि कोई भी पेशेंट है इसको ज्वर की हिस्ट्री रही है और ज्वर उसको लंबे समय तक उसकी बॉडी में रहा है, उसके बाद वो सबसाइड हो जाता है। सबसाइड का मतलब होता है कि उसको किसी ने किसी कारण से दबा दिया जाता है। दबाने के बाद क्या होता है कि जो ज्वर का चिकित्सा सिद्धांत है उसमें अंत में क्या होता है, विरेचन किया जाता है। इसीलिए तो उसमें लंग ज्वर ज्वर आदो लंगनम, ज्वर मध्य तु पाचनम, ज्वर आंते तु विरेचनम, तो जो ज्वर आंते विरेचनम का जो सिद्धांत है ना वो कॉन्सेप्ट वहां ब्रेकअप हो जाता है, यानी पाचन भी किया जाता है, लंगन भी किया जाता है, लेकिन विरेचन कोई नहीं कराता। अगर किसी को ज्वर के उपरांत 2 दस्त भी आ गए ना तो तुरंत जाके डॉक्टर से बोलेगा सर मुझे दस्त हो गए, वहीं उसको दस्त रोकने वाली दवा दी जाती है। जब वो वहां सबसाइड हो जाता है उसके बाद बॉडी में लेक लंबे टाइम बाद कोई ना कोई उपद्रव आता है, क्योंकि पित्त शरीर के अंदर अभी भी दबा बैठा है। जब पित्त दबा बैठा है तो वो उस पित्त को मतलब वायु के साथ संयोग करके कहाँ लेके जाती है, उसका क्षय वैज्ञानिक बॉडी में कहाँ उत्पन्न करता है, तब जाके उसकी नेक्स्ट संप्राप्ति बनती है जो ज्वर के उपद्रव स्वरूप आती है। तो ये जीर्ण ज्वर का सिद्धांत होता है। फिर वहां जीर्ण ज्वर की चिकित्सा आपको करनी होती है। अगर वो रिप्लेस होके आईज में चला गया तो आपको आईज से संबंधित, अगर वो रिप्लेस करके मतलब हार्ट से हार्ट की तरफ चला गया तो वहां आपको दिक्कत मिलेगी, जॉइंट्स में चला गया तो जॉइंट्स पेन मिल जाता है। जैसे कहीं ने आपने देखा होगा जब डेंगू फीवर हो जाता है तो कई पेशेंट्स के बहुत ज्यादा बॉडी एक बढ़ जाता है,
जैसे चिकनगुनिया में रहता है, तो वहां भी ये का यही सिद्धांत काम करता है। ज्वर उसका ठीक कर दिया आपने, लेकिन ज्वर के बाद जो ज्वर का अंतिम सिद्धांत है उसको ब्रेक कर दिया। उस ब्रेक की वजह से ही जो कई बार जो आम बात का सिद्धांत कन्वर्ट होता है डेंगू फीवर के बाद, तो वहां कह लेते कि सर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मेरी लाइफ खूब अच्छी थी, लेकिन मेरे को छह महीने पहले बुखार आया था और उसके बाद सारे जॉइंट्स में पेन रहने लग गया। तो वहां भी यही सिद्धांत काम करता है, तो इससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और ये सब मैंने यहीं पे सीखा है धीरे धीरे। अभी आप इस ग्रुप से जुड़े हो तो रोज आप नई चीजें सीखोगे, रोज नया दिमाग में अपग्रेडेशन आएगा, नई चीज सीखने को मिलेगी, नए तरीके से सोचने को मिलेगा। और जैसे जैसे रोगी आपके पास आएंगे वैसे वैसे आपको अभ्यास भी होता जाएगा कि ये रोगी कैसे ठीक होगा, कितने दिन में ठीक होगा, और मैं इसको कितने दिन में ठीक कर सकती हूँ, ये सारी चीजें ही आप सीखोगे। और मैं तो चाहता हूँ कि आयुर्वेद का इतना प्रचार प्रसार विस्तार हो कि हर घर में एक ना एक रोगी जो तो आपसे दवा लेके जाए वो जाके ये बोले 10 से कि नहीं, आप जो जो डॉक्टर साहब है ना वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी दवा देते हैं और आपको एक बार में ठीक कर देंगे, अच्छे से बता देंगे। लेकिन उनका ये है कि वो परहेज बहुत कराते, तो जो परहेज वगैरह है या जो सिद्धांत है ना, उस सिद्धांतों से आप समझौता मत करो। अगर आपने सिद्धांतों के साथ समझौता कर लिया तो आप रोगी को ठीक नहीं कर पाओ। ठीक है, थैंक यू सर। हेलो हेलो सर, मैं भी हाँ पवन जी, हाँ मैं भी थोड़ा सा इस केस के बारे में थोड़ा सा आप बताइए। सर सबसे पहले तो सर हिस्ट्री एलेबोरेट करना चाहिए, जो इसका थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का कारण क्या है, क्यों उनको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हुआ, उनका एचबी लेवल कितना है, क्या उनका हेतु रहा, क्या उनका संप्राप्ति रहा। जब तक आप हेतु और संप्राप्ति की बात नहीं करोगे तब तक बात बन नहीं पाएगी। अब अकेला ये कह दे प्लेटलेट कम है, उसको तो अगर हम उसको व्याधि प्रतिनिधि चिकित्सा दे तो फिर वो तो कोई चिकित्सा नहीं हुई ना, वो तो फिर हमने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर दिया। जब तक पूरी संप्राप्ति भंग, जैसे स्विस ने बोला, साहू सर ने बोला, जीर्ण मोस्टली ऐसे पेशेंट्स को जीर्ण जबर की हिस्ट्री मिलती है जिनको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया रहता है, क्योंकि इसमें अगर हम अवस्था भेद से जबर को देखें तो उसमें दो ही टाइप से हम उसके भेद करते हैं, नव जबर और जीर्ण जबर। जो नव जबर में जीर्ण जबर रहता है जो 21 डेज के बाद भी जो लंबे टाइम तक चलता रहता है और थोड़ा थोड़ा बुखार रहता है, उसमें बॉडी के क्या क्या सिम्टम मिलते हैं, उसमें अग्निमान्द्य मिलता है, घबराहट रहती है, बेचैनी रहती है, थकावट रहती है पेशेंट को, कानों में कई बार टिनिटाइटिस भी मिलता है उसमें, और रेस्टलेस रहता है पेशेंट, थकावट बहुत रहती है, पेट में भारीपन रहता है, थका थका बॉडी रहता है, ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। और अगर आप स्प्लीन को पालपेट करके देखें तो आपको स्प्लीन भी वहां मिलेगा, लीहा वृद्धि मिलेगा, अग्निमान तो मिलेगा और कोस्ट भी कॉन्स्टिपेशन पेशेंट को मिलेगा। तो सबसे पहले तो हमें पूरा का पूरा हेतु संप्राप्ति क्या कारण रहा, कैसा उनका लाइफस्टाइल है और क्या वो दिन में खाते हैं, क्या पता ये न्यूट्रिशनल भी हो सर, क्योंकि जैन मुनि मेरे को लगता है तो ज्यादा वो उपवास वगैरह ज्यादा करते हैं। ठीक है ना, ठीक है, बहुत अच्छा बताया। हाँ। तो इसमें हमें देखना पड़ेगा ना सर वो क्या कारण है, बगैर उसके कारण के तो हम मैडम को एक बार क्या है कि ये मैम थोड़ा नहीं है ना, तो इनको मैंने केस शीट दे दिया है इनके व्हाट्सएप पे, तो मैम अभी एक बार देखेंगी समझेंगी, फिर धीरे 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 मैम का वैसा दृष्टिकोण हो जाएगा। उनके निदान ऐसा कुछ नहीं है और उनके हिस्ट्री में ज्वर नहीं था। निदान नहीं मैम, केस शीट भर लो ना, पता लग जाएगा। ऐसे ऐसा हो नहीं सकता। एचबी कितना है? एचबी कितना है? 14.6। 14.6 और हम इनपे दो साल से काम कर रहे हैं। एमसीबी कितना मैम? एमसीबी नॉर्मल है। कितना है नॉर्मल एमसीबी बताओ तो, नॉर्मल कितना है रेंज नॉर्मल? एमसीएचसी अल्ट्रासाउंड में क्या है सर? नॉर्मल है। सिम्टम क्या रहते हैं बॉडी के सर? मैंने बोला ऑलरेडी, इन्होंने कहा कि दुर्बलता है, बस दुर्बलता है, बाकी सब ठीक है। हेलो सर, मैं डॉक्टर आशा गुजरात से इस केस में थोड़ा कुछ कहना चाहूंगी। प्रदना मैम, आपका जो आप बता रही है ना जैन मुनि है, उनकी एज क्या बताई आपने?
उनका एज मैंने बताया नहीं है, थैंक यू फॉर आस्किंग, उनका एज 24 इयर्स है। ओके एंड मेल और फीमेल? मेल है। दो साल पहले जब भी हमने घृतपान करा के, जो अभी हमने जीर्ण ज्वर का संप्राप्ति पहले जो वैद्य हमने हमने डिस्कस की उनके हिसाब से काफी सारी चीजें सिंक हो रहा था, तो ज्वरांते विरेचनम के हिसाब से ही मैंने उनको विरेचन दिया था, क्लासिकल विरेचन, आम पाचन करके, दीपन पाचन करके विरेचन दिया था। और जब भी विरेचन कर दिया था उनका पूरा सारे सिम्टम्स ठीक हो गए थे, लेकिन जैसे ही वो एक जगह पे नहीं रुकते हैं, विहार करने लगे, फिर से उनको वीकनेस की जैसे चीजें और फिर बेचैनी और फिर प्लेटलेट्स डाउन होना, वो सारी चीजें वापस रिलैप्स हुई हैं। तो इसीलिए मैं उनको पहले जो वैद्य अभी जो बात की उनसे मैं पूछना चाहती थी कि विरेचन हुआ हमारा और क्लासिकल विरेचन अच्छे से हुआ था, लेकिन अभी जैसे जीर्ण ज्वर की वो बात कर रहे थे, वो सारी चीजें सिंक हो रहे थे, जीर्ण ज्वर की चिकित्सा जो हमने की है उसमें कुछ कमी हुई है क्या? उनका अगर सिंगल अप्रोच होता है जीर्ण ज्वर का, जीर्ण ज्वर के हिसाब से ही अगर वो करते हैं तो क्या वो चीज करेंगे? क्या वो चीज हम छोड़ रहे हैं? हमें हमें ऐसा रिजल्ट मिला है विरेचन से जो कहीं पे भी कभी कहीं से भी हुआ नहीं था, लेकिन वो करना ही पड़ेगा। तो जीर्ण ज्वर के हिसाब से अगर विरेचन के अलावा वो हमेशा विरेचन हम भी नहीं कर पाएंगे, वो भी नहीं कर पाएंगे, तो औषधि द्रव्य के हिसाब से अगर उनका कुछ अप्रोच होता है तो कहा कि दाढ़ी मादी घृत देंगी आप, आपने जब बोला तो वो सही है ना, दाढ़ी मादी घृत दे दीजिए ज्यादा से ज्यादा, रसायन कराइए मैडम इनका, है ना, न्यूट्रिशनल पे ज्यादा है क्योंकि उनका क्या विहार विहार ऐसा है ना, तो लोग चार चार महीने तो सूखी पत्तियां वगैरह मतलब जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं वो खाते ही नहीं है, और उनका विहार ऐसा होता है तो संक्रमण वगैरह ज्यादा रहता है, तो उससे भी जो वातावरण में पित्त की अधिकता होती है, रुक्षता होती है वायु की, तो ये सब आहार विहार का सेवन करने से हो रहा है रिलैप्सिंग। तो आपको पहले तो निदान परिवर्जन इस केस में हम करा ही नहीं सकते हैं क्योंकि उनका जैसे जैन साधु है तो हम नहीं बोल सकते कि आप घर पे बैठो एक जगह पे ये करो करो, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, जैसे सर ने बताया दाढ़ी मादी घृत है, फिर रसायन द्रव्य है, ब्रह्म रसायन है, च्यवनप्राश है, इसके तौर पे आप उनको डेली के तौर पे दीजिए, थोड़ा घृत का सेवन वगैरह कराइए, उनका डेली डेली दीपन पाचन और विरेचन अनुलोमन होता रहेगा ना मैम, तो ये उनका क्योर होगा, क्योंकि ये ऐसे तो नहीं है कि आप एक जगह पे। हाँ सर बताइए मैम, इसको एक बार इसको जीर्ण ज्वर में इसका डायग्नोसिस तो कंप्लीट करो ना, जीर्ण ज्वर कैसे हम एक्सप्लेन करें उनको, वो मिला ही नहीं ना, इनको मिला ही नहीं तो हम जबरदस्ती क्यों घुसा रहे, पहले थोड़ा केस टेकिंग कर ले तब पता चले। अभी हम कर रहे हैं डायग्नोसिस तो बढ़ाओ, जीर्ण ज्वर को फिट तो करो, फिट तो करो। हम लोगों ने पेशेंट का डायग्नोस नहीं किया है, मैम बोल रही है कि ऐसे सिम्टम है कि सर प्रणाम सर, इसमें सर ऐसा बोल सकते हैं कि जो मैम कह रही है ना, जब उनको विरेचन करवा दिया, व्रत विरेचन करवा दिया, तो उसके बाद फिर तो वो रसायन चिकित्सा पे रखने पर ठीक हो जाएंगे, मैंने जैसे आप भी बता रहे हो मैं भी बता रहा हूँ मैडम, खुद भी मैंने बोला ब्रह्म रसायन धात्री लो, ये सब मैंने जब सर जब लंबे समय तक यात्रा कर रहे हैं, चक्रमण कर रहे हैं, तो वहाँ सीधी सी बात है वात बढ़ रही है, और वात में सर्वश्रेष्ठ क्या होता है, घृतपान होता है, तो आप उसमें घृतपान ऐड करोगे तो, और मैंने बताया प्लेटलेट बढ़ाने के घृतपान रसायन सब ठीक हो जाएंगे, ये बिल्कुल सही है सर, बस सिंपल सा ही उसमें ऐड करना है, घृतपान घृत सेवन कराना है, रसायन चिकित्सा करनी है। मैम ने विरेचन करा दिया, दोष निकाल दिए, अब सब ठीक है, तो वो तो वही क्लोज हो गया सर, बिल्कुल राइट है सर, अब तो केवल उसमें रसायन चिकित्सा ही बेस्ट है, जो उनका आहार विहार के अनुसार जो शरीर में रुक्षता उत्पन्न हो रही है उसी वजह से उनको वात की वृद्धि की वजह से ही ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं। बराबर जी, तो वात की, तो जो वात की चिकित्सा है वो ही वहाँ करनी है, यानी सर्वश्रेष्ठ वात के लिए स्ने पान है या घृत पान है, और जो भी घृत का करा रहे हो तो ऐसा रसायन यानी जीवनीय घृत का सेवन कराओ आप, सबसे बेस्ट, उसमें सभी चीज आ जाएंगी जी। तो जैसे जीवनीय घृत में कोई सी भी या जीवनीय औषधियों से शुद्ध घृत का प्रयोग करा सकते हो, जीवनीय औषधियों के काढ़े का भी आप साथ में सेवन करा सकते हो, ज्यादा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सब, वो दोनों काम कर जाएगा, रसायन भी काम करेगा आपका, और वो मतलब एक औषधि से
दोनों तीनों काम हो जाएंगे, आपके प्लेटलेट्स भी रेज हो जाएंगे। सर करा तो सकते हैं, मान लो हम दोस्त वहां पे पड़ा है, रस धातु अच्छे से नहीं बन रही, रक्त अच्छे से नहीं बन रही, पहले तो हमें सारा अग्नि पे ही वर्क करके उसके बाद ही सारा कुछ करना पड़ेगा। सर तो इन्होंने विरेचन करा दिया ना, तो विरेचन करा दिया तो अभी उनका अग्नि सम होगा, इफ शी हैज डन विरेचन जस्ट राइट नाउ। पद्मा मैम आपने कब कराया विरेचन उनको? विरेचन हमने 2 साल पहले किया था, उसके बाद में फिर मैं फिर से कराना पड़ेगा। आप मृदु विरेचन करा दीजिए, मृदु विरेचन हाँ ये चालू रहता है उनका। फिर ठीक है, आपके तमिल बहुत इंटेलिजेंट है, आपने बहुत अच्छा किया है और आगे भी अच्छा करेंगे। अभी हम थोड़ा एक केस लेना है, वर्षा मैम का फोन आ रहा है जी, और कोई केस लो सर, नया केस लो बढ़िया वाला। शिवशीला, शिवशीला करके मैम है, शिवशीला, शिवशीला मैम आप शायद मोबाइल से ज्वाइन हुई है, तो आप शिवशीला मैम क्या करिए कि आप जो देख रही है ना उसमें सेलुलर डाटा करके आ रहा है ज्वाइन ऑडियो, वो क्लिक करिए तो आपका आवाज आ जाएगा। वर्षा मैम आप इनको बताइए ना, वर्षा मैम, वर्षा कौशिक मैम आपकी पेशेंट है ना? यस सर मैं बता रही हूँ, यस सर मैं उसको इन्फॉर्म करूँ। बोले ज्वाइन ऑडियो करेंगी, स्क्रीन पे आ रहा है ज्वाइन ऑडियो पे, सेलुलर डाटा को क्लिक करें तो ज्वाइन हो जाएगी ऑडियो। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। पाठक सर मेरा तो 30 सेकंड लूंगा मैं, ज्यादा नहीं। हाँ लीजिए बोलिए सर। वो जो आपने यंत्र लिया हुआ ना बहुत पुराना, जो अपना बस्ती करने के लिए, उसकी फोटो डाल दीजिए, मैंने उसको परचेज करना लुधियाना में। ठीक है मैं डाल दूंगा आज, इतनी कृपा कीजिए, थैंक यू सभी का। अभी मैं क्लिनिक में जाऊंगा ये सेशन होने के बाद, फिर मैं करूंगा। सत वचन सर, सत वचन। थैंक यू सर। एक डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी, आपने हैंड रेस किया है। सर प्रणाम सर, वो सर प्रणाम। हाँ प्रणाम बोलिए सर। वो पेशेंट को बुलाना था अभी, सोरेसिस वाले को, तो क्या बुलाइए? बुलाइए सर, बुलाइए। जी सर मैं बुला रहा हूँ। इनका केस टेकिंग कौन करेगा इनके पेशेंट का? कितने अच्छे अच्छे डॉक्टर लोग हैं, विद्वान लोग हैं सब लोग, और यहाँ मैडम लोग भी बहुत इंटेलिजेंट है सब लोग। आप वीडियो ऑन करिए ना सर। वर्षा मैम आपकी पेशेंट का क्या हुआ? हाँ मैंने बोला उसको सर, कर रही होगी शायद। तब तक हम और बात करते हैं। आरती मैम आप कुछ बोल रही थी? आरती प्रणाम सर। जी सर वो जो सर समझा रहे थे साहू जी, तो बहुत अच्छा उन्होंने बताया, और मैं उसके रिगार्डिंग एक शेयर करना चाहूंगी। मेरे एक पेशेंट थे, बहुत पहले की बात है, आम बात की पेशेंट थी वो, 24 ईयर्स की लड़की थी। तो मैंने 2-3 महीना उसका जैसे आमबात का ट्रीटमेंट किया, पर मतलब हिस्ट्री लिया, बट उसने पेशेंट ने भी ऐसे मेरे से बताया नहीं कि उसको डेंगू हुआ था 6 मंथ्स बैक। तो जब वो 3 महीने के बाद भी उसका थोड़ा थोड़ा पेन जाता था, फिर आ जाता था, फिर जाता था, फिर आ जाता था, तो मैंने उसको यही पूछा कि आपको कभी बहुत ज्यादा बुखार हुआ है, कोई ऐसा डेंगू चिकनगुनिया कुछ ऐसा हुआ? जब उसने मुझे बताया कि उसको डेंगू हुआ है, तो मैंने उसमें ज्वर की ट्रीटमेंट शुरू किया। मैंने उसको ये ऐसे रोज करके नित्य विरेचन दिया एरंड तेल के साथ, और साथ में पिपलिया आसव शुरू करवाया मैंने उसका, और उसी दौरान मतलब 1 मंथ के अंदर ही उसका पूरा पेन ठीक हो गया, और दोबारा रेकरेंस नहीं है अभी तक। बहुत बढ़िया। वो मतलब यही कई बार क्या होता है कि हम वो कंसेप्ट जो बेसिक चीज है वो लैक कर जाते हैं, और यही जो ज्वर है ये जो सर ने बताया कि ये बाद में जाके कोई। हाँ आपने ये बात सही कहा, लेकिन ये जो जैन मुनि है इनको ज्वर ही है, ऐसा नहीं है, इनका संक्रमण हो रहा है, घूमना फिरना और लंघन हो रहा है बहुत ज्यादा। उसी पर आ रही हूँ। तो ऐसे ही एक और केस है, मतलब कई बार क्या होता है कि हम हिस्ट्री में कुछ पॉइंट्स लैक कर जाते हैं, शायद हमारे पूछने में भी कुछ गड़बड़ रह जाता है। तो उसमें भी क्या था कि जैसे सर ने बताया कि जो ज्वर है ना एलोपैथी में क्या होता है कि जैसे पेशेंट को हम मोशंस लगवाते हैं, नॉर्मल इंसान है उसकी ये टेंडेंसी रहती है कि मेरे को तो आगे बुखार है, आप मेरे को मोशंस लगवा रहे हो, तो वो उसको स्टॉप करने की कोशिश करता है, बट वो जो स्टॉप कर देता है मेरे हिसाब से वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो बॉडी में सेंद्रीय विष पैदा कर देता है, और कहीं ना कहीं जाके वो बाद में कोई बड़ा रोग पैदा कर देता है, और उसमें भी हमें ट्रीटमेंट ऐसे ही करना पड़ता है कि पहले हमें ज्वर का ही करना पड़ता है, उसके बाद ही वो जाके इलाज होता है। जी सही बताया आपने।
धातुगत ज्वर की संप्राप्ति है ना इसमें, इसलिए, और इससे धातु क्षय हो रहा है क्योंकि फिर अग्नि एकदम मंद है ऊपर से। मैम एक मेरे पास मतलब बच्चा आया था, बहुत ही छोटा था, वो 7-8 इयर्स का था, हार्डली स्कूल में ही पढ़ता था, तो उसको जैसे टाइफाइड हुआ 3-4 इयर्स बैक उसको टाइफाइड हुआ था, और उसका क्या हुआ सेंद्रीय विष से उसको जैसे हिक्का होने लगी, और हिक्का से उसकी बॉडी उछलने लगी, बीच बीच में उसको फिट्स पड़ने लगे। तो मैंने उसका हिक्का का भी ट्रीटमेंट नहीं किया, फिट्स का भी ट्रीटमेंट नहीं किया, मैंने सिंपल उसका जो टाइफाइड था उसका ट्रीटमेंट दिया, और उसके बाद में जैसे सर बताते हैं अक्सर रक्त प्रसादन, तो उसके लिए ताप्यादि लो उसको दिया, तो उसके बाद से उसको दोबारा वो रेकरेंस नहीं हुआ। मतलब वो 4 इयर्स से ऐसे कर रहा था, मतलब कंटिन्यूस 4 इयर्स से कर रहा था। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा सर ने एक्सप्लेन किया आज, थैंक यू सर। ठीक है वर्षा मैम, आपके एक पेशेंट सर, उसकी स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है कनेक्ट सेलुलर डाटा, कुछ भी नहीं दिख रहा, बोल रही है स्टार्ट वीडियो दिख रहा था तो उसको ओके कर दिया, तो कुछ नहीं हो रहा है अभी, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, और क्या करें हम। यहाँ पर मैंने को होस्ट भी बना दिया कि वो ऊपर दिखाई दें, तो अभी हम क्या करें आप बताइए। ठीक है, और वो सुरेंद्र सर शर्मा जी, आपके पेशेंट आए हैं क्या सर? जी सर, वो सर अभी जूम है, उनके में डाउनलोड नहीं, वो जूम में आप डाउनलोड कर रहे हैं, बस 5 मिनट में आ रहे हैं सर फास्ट। डॉक्टर बीना खोबरागड़े मैम, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं क्या बीना मैम? यस सर, यस सर। तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में है, मैंने डाला ना केस शीट। हाँ हाँ, बस अभी मैंने देखा, मैंने पहले नहीं देखा था, अभी देखा है केस। तो आप मराठी बोलती है? नहीं मराठी बोलती तो नहीं हूँ, पर समझती हूँ। अच्छा, चंद्रपुर की मराठी कुछ अलग ही होती है। हिंदी हिंदी में बोली मैं, मतलब समझ ही लेती हूँ मराठी, पर बोलने के लिए उतना अच्छा नहीं आता। जी कोई बात नहीं, अपना देश अपना माटी मत भूलिएगा। जी जी। एक डॉक्टर मनोहर सिंह सिसोदिया जी आए हैं, डॉक्टर संतोष के दामनी जी, दमामी जी आए हैं, कुछ नए नए लोग भी तो आए हैं। डॉक्टर संतोष जी कुछ बताइए अपने बारे में। देखिए हम नए लोगों का स्वागत करते हैं, लेकिन आप हमसे दूर भाग रहे हैं। डॉक्टर मनोहर सिंह जी कुछ बताइए, ऐसे आप पुराने हैं लेकिन कुछ बताइए। डॉक्टर सरोज मिश्रा जी कैसे हैं मिश्रा जी? सर प्रणाम। खाना खाए आज? हाँ सर, दिन भर तो उपवास रहा। क्या खाए अभी सर? हाँ जी, शाम को खिचड़ी खाई थी मूंग की दाल की। अच्छा सरोज सर, अब श्रावण के महीने के पूरे उपवास रखेंगे। क्यों, इस जन्म में तो पत्नी मिल गई, अगले जन्म के लिए? अच्छा मिश्रा जी, लेकिन बहुत अच्छे हैं, प्यारे हैं। थैंक यू सर। पवन बॉस को बहुत इंटेलिजेंट भी है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छा से समझाते हैं मॉडर्न, मतलब सर उनका मॉडर्न और एलोपैथी और आयुर्वेदिक दोनों का नॉलेज बहुत डीप है। और हमारे पवन जी भी बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे। आशा मैम आप लोग भी बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, हम सब आप ही लोगों से सीखते हैं। जुड़े हैं तब से थोड़ा नॉलेज मतलब ग्लोरीफाई हो रहा है, जैसे हम कॉलेज में पढ़े थे तो प्रैक्टिकली देखा हुआ था थोड़ा बहुत, लेकिन पेशेंट में कैसे अप्लाई करना है और उसको मतलब बेसिक लेवल पे कैसे समझना है, दोष था तुमल से संप्राप्ति कैसे बनानी है, ये सब हमने निगम सर के लेक्चर स्टार्ट हुए थे वहां से सीखा। फिर वापस अरविंद सर आए, नवीन जोशी सर आए, और आप लोगों के साथ रह रहे के सीख रहे हैं सर, अभी तक सीख ही रहे हैं। इतनी बड़ी सीमा है कि जिंदगी निकल जाएगी। और आपके पटनायक जी भी आ गए सर, पटनायक सर भी आ गए। गुड इवनिंग पटनायक सर। डॉक्टर सूर्यनारायण पटनायक सर, पटनायक सर गुड इवनिंग। वो खाना खा रहे हैं, डिनर कर रहे हैं। ठीक है, नहीं तो कल सुबह होगा 6 बजे माधव निदान, तब बोल दीजिएगा। जी सर, एक 6 बजे। जी सर ठीक, थैंक यू। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है केस तो बता सकते हैं। एक जय उपाध्याय जी आए हैं, डॉक्टर जय उपाध्याय जी आप कहाँ से हैं, कृपया अपने बारे में बताइए। हम सबसे मिलना चाहते हैं लेकिन आप हमें बताते नहीं है आप कौन। गुड इवनिंग सर, मैं उड़ीसा से। आप कहाँ से हैं सर? हाँ मैं सर ऑडिबल है कि नहीं? यस यस। हाँ सर मैं भुवनेश्वर से हूँ जी।
मैंने आपसे सर मैं जमरदग्नि सर के पास गया था ट्रेनिंग के लिए थोड़ा 2 महीने कब और उससे आपको जाना आपका लेक्चर सुन रहा हूँ थोड़ा बहुत यूट्यूब से आज मैं ज्वाइन किया। आप जमरदग्नि सर के पास कब गए थे? 2-3 साल पहले 1 महीने के लिए गया था मतलब हर साल 1-1 महीना गया 2-3 साल के बाद लेकिन मैंने मेडिकल कॉलेज में हूँ मैंने आयुर्वेद प्रैक्टिस पहले कर रहा था CRA भी किया था मैंने वहाँ से केरला से वैजरत्नम से उसके बाद दिल्ली में प्रैक्टिस किया था उसके बाद छोड़ दिया मैंने वो एनाटॉमी में PG करके वहाँ पे मेडिकल कॉलेज में हूँ तो अभी मैं शुरू कोशिश कर रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए तो इसलिए मैं सुन रहा हूँ आपको। आप कहाँ पर हैं सर अभी? भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में अच्छा उड़ीसा के। हाँ जी सर। आप जमदग्नि सर के पास गए तो आपने लेक्चर वगैरह नोट्स वगैरह लिए क्या सर से? थोड़ा बहुत 2 किताब लाया था सर और ज्यादा मिला नहीं क्योंकि मैं 1 साल नहीं रुका जी। उपाध्याय सर ये पुरी में और ये उड़ीसा ये अलग कॉलेज है क्या मेडिकल कॉलेज पुरी वाला? हाँ, मैंने पुरी से पढ़ा था BMS और CRA भी किया था वैद्यरत्नम इटली नारायण मोस्ट उसके बाद मैंने शांतिगिरी और दिल्ली में काम किया था और हैदराबाद में काम किया उसके बाद मैंने मेडिकल एनाटॉमी MS करके वहां पे मेडिकल कॉलेज में। सर चैट बॉक्स में अपना नंबर डालिए प्लीज। ग्रुप में है क्या सर उपाध्याय जी? हां ग्रुप में आज ज्वाइन किया सर। बहुत अच्छा सर चैट बॉक्स में नंबर डालना मेरे को। मुझे कैसे जानते हैं उपाध्याय जी? मुझे कैसे जानते हैं सर? मैंने आपको यूट्यूब से देख के पता किया जी। बहुत अच्छा सर। आपको कौन नहीं जानता सर। अच्छा ठीक है ठीक है। एक डॉक्टर संतोष जी आए हैं जी। गुड इवनिंग सर। अच्छा आप बताइए। गुड इवनिंग सर। मैं डॉक्टर संतोष के दवा में समय उदयपुर से हूँ और यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट पे हूँ। तो मुझे अनुरिता मैडम ने बताया था कि हमारे एक आयुष दर्पण करके फाउंडेशन है वहाँ पे लाइव केस डिस्कशन वगैरह होता है तो इन्होंने मुझे अनुरिता मैम ने मुझे बताया था इस बारे में। कौन अनुरिता मैम? अपनी सकट मैम जी। जी हाँ जी सर। बहुत अच्छी है वो तो। बहुत अच्छी प्यारी डॉक्टर है। क्रिकेटर है। क्रिकेट भी खेलती है। हाँ जी। हाँ जी सर जी। एक्चुअली वो मेरे फादर का वो ट्रीटमेंट भी कर रहे थे। क्या कैंसर का? हाँ जी बेसिस कार्सिनोमा का था। दिल्ली में मिली थी क्या? हाँ जी। हाँ जी सर। मैंने दिल्ली से सर रस शास्त्र में MD करा है। अच्छा हमें मालूम है आपके बारे में उन्होंने बताया था। जी जी सर। तो आपके फादर अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है पापा। अभी तो मेडिसिन चल रहा है मैम का भी। अच्छा तो आप कौन से चैप्टर में? रस शास्त्र में। जी रस शास्त्र मैंने MD करी है। फिर वहाँ पे गाजियाबाद में मतलब 2.5 ईयर मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर रही। देन फिर अभी यहाँ पे शिफ्ट किया है उदयपुर राजस्थान। जी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। जी थैंक यू सर। थैंक यू। एक डॉक्टर जितेंद्र भगत जी आए हैं। डॉक्टर जितेंद्र भगत जी आप कहाँ से हैं सर? कृपया अपने बारे में बताइए डॉक्टर। सर मैं सोनिया बोल रही हूँ आज। नमस्कार सर। अच्छा आप हैं? अच्छा हाँ मैं जितेंद्र जी मेरे हस्बैंड हैं इनकी ID से बात कर रही हूँ। ये भी आपके हस्बैंड भी BMS डॉक्टर हैं? नहीं सर ये कॉलेज में लेक्चरर हैं। अभी डॉक्टर जगन्नाथ उपाध्याय जी आपसे बात कर रहे थे सर जी। तो ये भी मतलब हमारे नॉन भी हैं काफी पुराने जी। हमारे यहाँ भी सर की थोड़े दिन ड्यूटी हमें भी मिली थी जी। तो अभी आज आपने मतलब आज जो हुआ तो मैं सोची कि एक बार देखूं क्लास ज्वाइन करके आपका। कल सुबह भी आइएगा माधव निदान की क्लास होती है इस 7 बजे। अष्टांग हृदय का हम टीका पढ़ते हैं संस्कृत में और वहाँ टीका पढ़ना सिखाया भी जाता है। ये नहीं कि केवल पढ़ते हैं मैं पढ़ूंगा ऐसा नहीं। आपको मैं संस्कृत सिखाऊंगा कि ऐसे पढ़ते हैं इसका अर्थ इस तरह से निकाला जाता है और इसको कैसे एप्लीकेशन करना चाहिए ये सब सिखाया जाता है। ठीक है सर। ठीक है। डॉक्टर नहीं है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। हेलो सर। हाँ जी बोलिए सर। सर वो पेशेंट आ गया सर मोहन सिंह किरार करके नाम लिखा हुआ है। वीडियो ऑन करने को बोलिए। वीडियो जी। इनका केस टेकिंग कौन करेगा? अब मोहन मोहन जी मतलब वीडियो ऑन करो। वीडियो ऑन करिए मोनू। आपको आवाज आ रही है? पांच भौतिक चिकित्सा शशि मैम करूंगा मैं। आप रुकिए थोड़ा अभी बहुत सारा लोड है। आप थोड़ा रुकिए मैं करूंगा। शशि मैम करूंगा आप थोड़ा रुक जाइए मैं बताऊंगा। मोनू डॉक्टर दिनेश चंद्र जी आपका तबियत कैसा है? डॉक्टर दिनेश चंद्र जी
सर सुरेंद्र शर्मा जी वो जल्दी आने को बोले, नहीं तो फिर टाइम खत्म हो जाएगा। मोहन सिंह जी आप, आपके चेहरा पे लाइट आना चाहिए सर, आपने लाइट ऑन किया था, वीडियो ऑन करिए, वीडियो और ऑडियो। मोहन जी सुन पा रहे हैं क्या? सर नहीं आ रहे हैं, अब हम क्या करें? डॉक्टर सतीश कुमार जी आप कैसे हैं? श्रुति निगम मैम कैसी हैं आप? सर नमस्कार सर, बढ़िया सर जी। श्रुति मैम कैसी हैं? प्रणाम सर, बढ़िया। आपने तो कहा था कि थर्ड वेव आएगा कोरोना का, आया भी नहीं। आपने कहा था अक्टूबर में आने वाला था। और सर जब मैं आपसे फोन पे बात करती हूँ तब आप नहीं बोलते जी, आपसे बात तो करते हो फोन पे, वरना उनको टाइम कहाँ रहता है किसी से बात करने का। तो आके चला भी गया सर, देखिए आया तो था सर, कमेंट आया सर, अभी भी है ऐसा नहीं, केसेस तो हैं अभी, फोर्थ एंड फिफ्थ की तैयारी कीजिए। लेकिन इन्होंने कहा था, भविष्यवाणी किया था कि अक्टूबर 2021 में आएगा, हम सोचते रह गए आया ही नहीं, पता नहीं सर अभी केसेस नहीं। अच्छा बताइए, रशिया का झगड़ा शुरू हो गया? हाँ केसेस हैं सर, है क्या? अच्छा नहीं है क्या? निग्लिजिबल है अभी, लोग तो ऐसे ही घूम रहे हैं। हाँ घूम रहे हैं लेकिन केसेस तो हैं सर। अच्छा आप लोगों को मालूम है श्रुति निगम मैम बहुत अच्छी डॉक्टर हैं, इनको अभी प्राइज भी मिला। मुझे नहीं, मेरे हस्बैंड को था। आपके और सर अनुरीता मैम से आप बात नहीं करते, बहुत गलत बात है। अनुरीता मैम मुझे पकड़ पकड़ के मुझे कहानी सुनाती है, इसलिए मैं दूर भागता हूँ, उनकी बहुत सारी स्टोरीज रहती है आपको नहीं मालूम। सर जी कब फोन पकड़ के स्टोरीज बताई बताइए, तो यहाँ पे केसेस सुनने के लिए बैठे हैं सारे, शायद पेशेंट ज्वाइन हो गया सर। पेशेंट आ गए क्या? सर शशि तिवारी मैम का चैट बॉक्स में मैसेज पढ़ लीजिएगा। अच्छा इनका केस टेकिंग करिए, चलिए सरोज हेलो केस टेकिंग करिए सरोज जी, सर सब लोग करिए केस टेकिंग जी जी। प्रणाम सर, मोहन सिंह करण सर। सर नमस्कार, एक बार थोड़ा ब्रीफ करवा ले सर पहले। हाँ मोहन जी आप अपने बारे में बताइए, क्या तकलीफ हो रहा है? सर सौराष्ट्र से मुझको। सौराष्ट्र से, एक बार दिखाइए आप कहाँ कहाँ पर है। सर ये क्या खुजली आता है? खुजली आता है, खुजली आता है, पपड़ी भी पड़ती है। पपड़ी निकलती भी है? हाँ पपड़ी निकलती है सफेद सफेद। अच्छा चलिए मिश्रा जी आप केस टेकिंग शुरू कर दीजिए, पवन जी सब लोग करिए केस टेकिंग। पवन बॉस आप स्टार्ट करिए। करो मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ आप, मैं कुछ काम कर रहा हूँ। तो शशि मैम आप करिए, कोई भी करिए, आरती मैम आप करिए। ओके गुड इवनिंग सर जी। हाँ जी ये जो सोरियासिस की आपको तकलीफ है ये कब से है? मैडम 4 साल से। 4 साल से, तो 4 साल पहले कैसे शुरू हुआ था? ये पैरों से हुआ था, थोड़ा सा हुआ था, खुजली हुई अपने आप, काला काला पड़ा और फिर ये होता चला गया, समझ में नहीं आया, हॉस्पिटल से दवा ली, फिर एक हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब है पुलक जयसवाल, उन्होंने मुझको बताया ये सौराष्ट्र से, फिर उनसे दवा ली ठीक हो गया, फिर बैक हो जाती है, फिर दवा लेते हैं फिर बैक हो जाती है। नहीं तो दवा जो ले रहे थे आप, वो आयुर्वेद की दवा ले रहे थे कि एलोपैथ की दवा ले रहे थे? नहीं एलोपैथ की ले रहा था। तो एलोपैथ की दवा ले रहे थे, तो 4 साल पहले शुरू किया था, कब शुरू किया था? नहीं दवा जब हुई थी ये तभी से ले रहे हैं, मगर ये बैक हो जाती है, दवा खाते ठीक हो जाती है फिर ये बैक। अभी जो दिख रही है उसकी हालत वो बहुत दिख रही है, है ना? बंद है दवा। हाँ जी। नहीं तो अभी दवा क्यों बंद किया है आपने? मैडम दवा असर नहीं कर रही इसलिए बंद कर रखी है। अच्छा तो जब आप दवा खा रहे थे तो उसमें आपने परहेज वगैरह कुछ कर रहे थे कि सब कुछ खाना पीना था? नहीं जैसे उन्होंने खटाई बंद करवा दी थी, मठा बंद करवा दिया था, दही ये चीजें बंद करवा दी थी। अच्छा आप एक बात बताओ, आप वेजिटेरियन हो कि नॉन वेजिटेरियन? नहीं नॉन वेजिटेरियन। तो नॉन वेज खा रहे थे आप, है ना? नहीं मैं नहीं खाता। नहीं बिल्कुल नहीं खाता। नहीं तो वही तो मैंने पूछा कि आप वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है। वेजिटेरियन हूं। श्योर? पक्का? मैम वेजिटेरियन, मैम वेजिटेरियन है।
अच्छा नहीं 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 वो जानना जरूरी है ना, क्योंकि इसीलिए तो मैंने पूछा। नहीं नहीं और कोई नशा अल्कोहल या सिगरेट या कोई भी नशा? हाँ वो तो मैडम कर लेता था कभी कभी। तो डॉक्टर साहब ने आपको मना नहीं किया था? नहीं उन्होंने कुछ नहीं बताया मुझे इस बारे में। ओके आपकी उम्र कितनी है? 35 साल। 35। 35 साल। हाइट कितनी है? मेरे कोई 4 फुट के 4.5 हो गए। 4.5 फुट। 4.5 फुट की हाइट है। उसमें वेट कितना है आपका? 50 समथिंग। ओके क्या काम करते हैं आप? नहीं मैडम घर पे शॉप चलाता हूँ, किराने की दुकान है। शॉप चलाते मतलब दिन भर बैठने वाला काम है ना, है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ओके पेट ठीक रहता है आपका? हाँ पेट कभी कभार दिक्कत कर जाता है। जैसे? जैसे जैसे सुबह पेट साफ नहीं हुआ तो फिर बार बार जानी पड़ती, कभी बार 2 बार भी, कभी 3 बार भी, और नहीं साफ। मतलब कभी पेट नहीं साफ होता, कभी 2-3 बार जानी पड़ती है, है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और नहीं जैसे पेट साफ हो गया तो नहीं जाना फिर। अच्छा ये जो पेट साफ नहीं होने की दिक्कत है ये कितने सालों से आपको? ये तो मैडम ये सोराइसिस के बाद आई है, वैसे नहीं है। नहीं 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 आप ध्यान से बताइए मुझे कि आपको चाहे कॉन्स्टिपेशन है या लूज मोशन है या कभी कॉन्स्टिपेशन कभी लूज मोशन इस तरह से आपके साथ कब शुरू हुआ था? कब शुरू हुआ था इस तरह की परेशानी? ये तो जब से ये पेट सनेक बढ़ने लगा जब से गैस। अच्छा गैस वगैरह बनती है आपको? नहीं गैस वगैरह नहीं बनती। कोई गला वाला जलता है? नहीं। बीपी ओपी की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? किसकी मैडम? ब्लड प्रेशर वगैरह की? नहीं 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 कोई कोई प्रॉब्लम नहीं। रात में कितने बजे सोते हैं आप? 11-12 बजे के समथिंग। 11-12 बजे सोते हैं। सुबह कितने बजे उठते हैं? 7 बजे। 7 बजे उठते हैं। तो दुकान लगभग कितने बजे खोलते हैं आप? घर पर ही है मैडम, जाके फ्रेश हुआ और दुकान। नहीं इसलिए तो मैंने पूछा दुकान कितने बजे आप खोलते हैं। ठीक है घर पर है बट एक होता है ना हमें कुछ दैनिक नित्य क्रियाएं होती हैं उनसे निवृत्त होने के बाद ही हमें काम करना होता है, इस वजह से मैं आपसे पूछ रही हूँ कि एक तो रात में लेट सोते हैं, सुबह भी थोड़ा सा लेट उठते हैं आप। नींद वगैरह कैसी आती है आपको? नींद तो मैडम पता नहीं चलता सुबह कब हो गई। अच्छा नींद मतलब अच्छी आती है। अच्छा दुकान में जब ग्राहक रहते हैं या दुकान में आप लंबा बैठे रहते हैं तो कभी मतलब यूरिन है पॉटी है इन सब चीजों का प्रेशर आया तो रोकते हैं कि तुरंत जाते हैं? नहीं तुरंत जाते हैं, बगल से ही मैडम करते हैं। बाय चांस कभी 2 मिनट के लिए रोक लिया तो रोक लिया, नहीं नहीं। अच्छा ये जो सोरियासिस की प्रॉब्लम जब शुरू हुई थी उसके पहले आपने नोटिस किया था आपको खाने पीने का क्या मेन शौक था, क्या चीजें ज्यादा पसंद थी? मीठा जाना ज्यादा पसंद करते थे, तीखा ज्यादा खाना पसंद है, नमक ज्यादा खाना पसंद है? नहीं मैडम मीठा ही ज्यादा खाते थे हम वैसे, और तीखा तो कम ही खाते हैं। दूध वगैरह के साथ नमकीन कर लेने का? नहीं नहीं कभी कभार पराठे जरूर खा लेते हैं दूध के साथ, आलू के। अच्छा आलू के पराठे दूध के साथ? हाँ। ओके ये कितने सालों से सिलसिला है आलू के पराठे दूध के साथ खाने से? इसके वजह से ही आ रहे हैं। ये तो मिर्ची की वजह से खा लेते हैं चीनी डाल के उसमें वैसे। नहीं नहीं ये कितने सालों से इस तरह का कार्यक्रम आप करते हैं मतलब या किस उम्र से आदत पड़ी है? बचपन से घर में कल्चर है कि आलू के पराठे दूध के साथ खा लो? नहीं मैं ही खाता हूँ, ऐसा नहीं है। अच्छा ये आपकी अपना मतलब स्वभाव है ना? हाँ। सुबह ब्रेकफास्ट कितने बजे करते हैं आप? नहीं मैडम मैं खाना खाता हूँ। सुबह खाना खाते हैं तो सुबह हाँ। चाय दिन भर में चाय कितनी बार पीते हैं आप? 2 हो जाएंगे या 3 बस। 2 या 3 चाय पीते हैं। ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह जंक फूड वगैरह वो भी कभी कोल्ड ड्रिंक तो कभी कभार पी लेते हैं वैसे नहीं। और ये बर्गर पिज्जा चाउमीन दिस दैट ये भी चल जाता है 8-15 दिन में एक बार। अच्छा नॉर्मली आपको सादा खाना पसंद है कि खुद तेल मसाला चटपटा? नहीं सादा। अच्छा सादे में क्या खाना पसंद करते हैं? घिया तोरी क्या चीज है? नहीं घिया मिल जाए तोरी मिल जाए। आपकी शॉप कहाँ पर है? मैंने पूछा नहीं एक्चुअली, प्लीज बताएंगे जरा? भिंड में। भिंड में ओके
हाँ नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना कि एरिया का पता चलता है कि आप किस तरह के, आपके फूडिंग हैबिट वगैरह ज्यादा है, इस वजह से मैंने पूछा, और कोई बात नहीं है। अच्छा, ये जो परेशानी है आपके सोरियासिस की है, तो इसमें उन्होंने कुछ खाने की दवा देने के अलावा कुछ लगाने को भी दिया था? जैसे खाने के लिए उन्होंने एक टेबलेट दी थी वो, और ट्यूब देते थे। अच्छा, जैसे न्यूसेल एक ट्यूब है एक, वो देते थे कभी कभार, वो क्रोमोस्ट नाम का ट्यूब आता है वो देते थे। अच्छा। और एक टेबलेट आती है उसका नाम मैं भूल गया। ये नोटिस करें कि ये कुछ पर्टिकुलर चीजें खाए हैं या कभी सीजन चेंज से ये प्रॉब्लम आपकी बढ़ी है या मतलब ठीक रही है? कभी ये चीज हुआ कि मान लो सर्दी गर्मी बरसात दो तीन तरह के मौसम होते हैं, तो उनके साथ में कुछ ऐसा है कि किस मौसम में ज्यादा परेशानी तकलीफ देता है आपका सोरियासिस आपको? मैडम इस समय तो सभी हर मौसम में देता है मुझे अभी, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि किसी पर्टिकुलर मौसम में ज्यादा तकलीफ हो, हर मौसम नहीं, में नहीं। बराबर है। गर्मी में भी देता है, सर्दियों में भी देता है, बरसात में भी दे रहा है एक साल से। ओके, और ऐसा कुछ खाने पीने का हो कि कुछ ऐसा खा पी लिया हो जिसके बाद ज्यादा लगता हो, या कुछ ऐसा खाया जिसके बाद कुछ कम परेशान नहीं करता हो? एक की खुजली बढ़ती है ज्यादातर खट्टा खाने से। अच्छा, खुजली बढ़ती है तो आप मतलब कोशिश करते होंगे खट्टा कम खाएं, है ना? वैसे तो खट्टा मना ही है बिल्कुल। खट्टा मना होना और आपका परहेज रखना दोनों फर्क होता है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहे हैं आप परहेज रखते हैं कि नहीं? अब परहेज तो मैडम वैसे घर पे सारा परहेज है, अब जैसे कहीं फंस गया अब वहाँ पे जो मिल गया वो खा लिया। ओके, वैसे घर पे सारा परहेज है। दिन भर में कितनी बार खाना खाते हैं आप? दिन में सिर्फ एक बार खाना खाता हूँ। नहीं मतलब 24 घंटे में आप दो बार खाना खाने की आदत है कि 3 बार? हाँ, 2 बार। दिन भर में 2 बार खाते हैं कुछ? हाँ। नाश्ता पानी मैडम बन गया तो ले लिया, नहीं बना तो नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं मतलब भूख आपको कैसी लगती है? हाँ। भूख कैसी लगती है आपको, अच्छी लगती है, ठीक ठीक सी लगती है, कम लगती है? कम लगती है वो। अच्छा, और जो खाते हो पच जाता है अच्छे से? हाँ, पच तो अच्छे से जाता है। ओके, भूख कम लगती है। गुस्सा वगैरह ज्यादा आता है या गुस्से को अंदर रोक लेते हैं? जैसे मान लीजिए आपका प्रोफेशन ऐसा है कस्टमर से बहस हो गई तो क्या करते हैं, चिल्ला लेते हैं या? मैडम वो तो अपना कस्टमर देख के बात हो जाती है, जैसे अपना है तो चिल्ला भी लिया और दूसरा है तो सुन भी लिया। नहीं जैसे जनरली आदत होती है, कुछ लोग गुस्सा निकाल देते हैं, कुछ लोग गुस्सा पी जाते हैं, तो इसलिए मैं आपको पूछ रही हूँ कि गुस्से को अधिकतर नहीं, गुस्सा वैसे अपन करते हैं। अच्छा, जो गुस्सा आ जाती है वो शांति होना पड़ता है, क्या मजबूरी है। मजबूरी है, ओके। और घर में परिवार में किसी कोई तकलीफ हो आपको? नहीं। अच्छा, साबुन वाबुन लगाते हैं आप नहाते वक्त? हाँ। वो डॉक्टर ने आपको मना नहीं किया था कि साबुन वाबुन नहीं लगाना है? नहीं नहीं नहीं। तो कौन सा साबुन लगाते हैं आप? लाइफ बॉय भी लगा लेते हैं, नंबर वन भी लगा लेते हैं, कभी कभी डेटॉल से भी लगा लेते हैं। अच्छा, मतलब कोई भी सोप रहता है आप सोप यूज कर लेते हैं, उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं मना किया था आपको? नहीं नहीं। पेशाब सब ठीक आती है आपको? पेशाब की कोई समस्या हो, कभी पीलापन ज्यादा रहता हो, जलन रहता हो या? हाँ, पीलापन तो आ जाता है गर्मी से। अच्छा, पहले कभी कम आती हो या ज्यादा आती हो कुछ इस तरह की? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, जैसे किसी दिन कम गए बाथरूम तो पीलापन आ जाता है, जैसे कहीं निकल गए घूमने उमने, अब गर्मी में तो पीलापन आ ही जाएगा, नहीं खाया तक आ जाएगा। ओके, रात में सोए में उठ करके बाथरूम जाने का? वैसे तो मैडम नहीं जाता, बाय चांस नींद खुल गई तो जाता हूँ। ओके, कोई जोड़ और दर्द करते हो आपके? हाँ, जोड़े जे करते हैं, पैर दर्द करते हैं ज्यादा। पैर कौन सा जोड़ ज्यादा दर्द करता है? पैरों के। अरे पैरों में भी बहुत सारे जोड़ है, इसीलिए तो आपसे पूछ रहे हैं। जैसे एड़ी के ऊपर के? अच्छा, एड़ी के ऊपर का वाला ज्यादा दर्द होता है? एड़ी ज्यादा, जैसे पंजे ज्यादा करती है दर्द। अच्छा, ये गुटखा उटका खाने की आदत तो नहीं है आपकी? नहीं। तो सिर्फ आपने बताया थोड़ा सा कभी कभी आप अल्कोहल ले लेते हैं ना? हाँ। सिगरेट वगैरह की भी आपको आदत नहीं है ना? नहीं। चलिए,
मेरी तरफ से तो हो गया, और लोग जो कुछ पूछना चाहते हैं मेरे उनसे पूछ लें। मेरे हिसाब से भी अभी हो गया है, अभी हम सेशन बंद करते हैं, हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि टाइम हो गया है। ठीक है सर, अभी जाना है, टाइम हो गया। ठीक है सर, तो सर मोहन जी हम कल बात करेंगे आपसे क्योंकि अभी टाइम हो गया। ठीक जी सर, जी सर, ठीक है मोहन जी सर, थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि। ओके सर, थैंक यू सर, गुड नाइट, गुड नाइट।